हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ, फ्लावर से सब्जी कैसे बनते हैं। रेसिपी अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। फ्रेंड, आज मैं बनाने जा रही हूँ ड्रमस्टिक की जो फ्लावर है उसकी सब्जी। जिसके लिए हमें चाहिए ड्रमस्टिक का फ्लावर, 1 ऑनियन, पोटैटो, ये बड़ी है जो कोई भी ग्रोसरी शॉप में आपको आसानी से मिल जाएगा। स्पाइस में हमें चाहिए चिली फ्लेक्स, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट, हल्दी एंड जीरा पाउडर एंड ऑयल। मैं फ्लावर को प्रेशर कुकर में दे के 3 या 4 सीटी लगा लूंगी। पोटैटो एंड ऑनियन को छोटा छोटा पीसेस में कट लूंगी। अब मैं पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल लिया। ऑयल डालने के बाद जो बड़ी है उसको फ्राई कर रही हूँ। गोल्डन ब्राउन होने तक बड़ी को फ्राई करना है। फिर मैं ऑनियन ऑयल में डाल रही हूँ। ऑनियन को भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। आप देख सकते हो ऑनियन गोल्डन ब्राउन हो गया। उसके बाद मैं पोटैटो डाल रही हूँ। पोटैटो को मैं 1 या 2 मिनट फ्राई कर लूँगी। फिर मैं स्पाइस डाल रही हूँ, चिली फ्लेक्स। उसके बाद क्यूमिन और कोरिएंडर पाउडर डाल रही हूँ। डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। फिर मैं डाल दिया बॉयल किया हुआ फ्लावर। पानी भी मैं इसके साथ डाल रही हूँ क्योंकि मैं पोटैटो को पहले से बॉयल करके नहीं रखी थी। पोटैटो को में बॉयल करना है। अब मैं हल्दी पाउडर और सॉल्ट डाल दिया। उसके बाद जो बड़ी है उसको भी डाल दिया। 15 मिनट तक मैं सब्जी को बॉयल कर चुकी हूँ। आप देख सकते हो पोटैटो अच्छे से स्मैश हो रहा है। अब धीरे धीरे पानी सूख गया है। मैं अब गैस को ऑफ कर दूंगी। आप ये सब्जी को रोटी या चावल दोनों के साथ ही खा सकते हैं। ड्रमस्टिक फ्लावर में बहुत सारे विटामिन, प्रोटीन, फाइबर रहता है जो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है।